हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अब ठीक हूँ। बहुत दिनों से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, कुछ भी वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि मेरी ससुर जी का डेथ हो गया था और मेजबान भी हॉस्पिटल में एडमिट था। और हम सोच सकते हैं गाइस कि अपने ससुर जी से मतलब देखने भी नहीं जा पाए, ना उनके काम में जा पाए। मेरे हस्बैंड गए थे क्योंकि वन बहुत ज़्यादा बीमार था, उस टाइम पे एडमिट था, मुझे भी रहना यहाँ ज़रूरी था, तो इस वजह से गाइस कुछ भी नहीं बना पा रहे थे। और अब जाके थोड़ा ईवान भी सही हुआ है, और तो सोचे कि आज चलिए ब्लॉग बनाया जाए। आज तो आज हम गाइस देख सकते हैं, मेरे पतिदेव पपाया लेकर के आए थे। आज संडे का दिन है तो सोचे कि नाश्ता में पपाया सब खा लेते हैं, उसके बाद संडे के दिन ना बहुत सारा काम रहता है, कपड़े धुलना, घर सफाई, डीप क्लीनिंग जो भी होता है गाइस। डेली तो हड़बड़ में काम कर लेते हैं, ऑफिस जाना रहता है, हस्बैंड को बच्चे को स्कूल छोड़ना लाना, तो ऐसे जैसे तैसे मतलब काम हो पाता है। तो आज थोड़ा घर का भी डीप क्लीनिंग करेंगे और खाना वगैरह बनाएंगे फिर। तो अभी हम पपाया काट रहे हैं और पतिदेव भी खा लेंगे और दोनों बच्चे को भी थोड़ा थोड़ा खिला के फिर तब खाना लेट से बनाएंगे। घर सफाई करने के बाद फिर नहा लेंगे उसके बाद। और देख सकते हैं गाइस, इधर मेरी बेटी परेशान कर रही है हमको, मतलब बार बार रूम में चले जा रही थी, क्योंकि ना रूम का जो स्टॉपर है ना उसमें बार बार फिंगर में चोट लगा लेती है। तो इसको बोल रहे हैं हम कि यहीं पर रहो, उधर मत जा, तो वो पापा को खिलाने के लिए भी जा रही है और मम्मा को भी खिलाई जा रही है। अभी मेरी बेटी को भी हमको नहलाना है गाइस, फिर ये सो जाएगी, फिर हम नहाएंगे और फिर हम खाना बनाएंगे। तो अभी समय हो रहा है 9 सुबह का 9 बजा है और मेरा बेटा है गाइस 7 साल का हो गया, लेकिन फिर भी ये ना खाने में इसका बहुत नखरा है, खुद से खा नहीं पाता है अभी तक, इतना बड़ा हो गया है। तो हम इसको सिखा रहे हैं धीरे धीरे कि अब खाना शुरू करो, तुम बड़े हो गए हो। स्कूल में लंच कभी कभी रिटर्न लेके आता है, लेकिन कभी कभी ना फिनिश करके भी आता है। तो हम बोलते हैं कि तुम स्कूल में जब लंच फिनिश कर लेते हो तो तुम घर में क्यों नहीं करते हो, इसका मतलब तुम स्कूल में फेंक देते होगे, तो मेरे सामने एक बार लंच फिनिश करके दिखाओ। और उधर देखिए बार बार वो मेरी बेटी भाग जा रही है। और देख सकते हैं गाइस, पपाया तो बहुत ज़्यादा मीठा था, फिर हम लोग पपाया नाश्ता किए, मेरे पति भी बैठ के खा रहे हैं और इधर उधर मेरी बेटी और बेटा दोनों ही घूम रहा है। और मेरा बेटा वीडियो भी बना रहा है, हिला हिला दे रहा है, अच्छे से वो बना नहीं पाता है। तो फिर ऐसे ही कुछ अभी चल रहा है गाइस। और इधर देख सकते हैं गाइस, इसको कटोरी में दिए थे खाने के लिए, मैंने भी जस्ट आपसे बताया था कि ये फिनिश नहीं कर पाता, खुद से खा नहीं पाता। तो अभी फिर इसको कुछ कुछ धमकी दे रहे हैं कि मैम को बता देंगे या फिर तुमसे बात नहीं करेंगे, तो ऐसे डरा डरा के इसको खिला रहे हैं। तो इसको खिला देंगे तो हम भी टेंशन फ्री हो जाएंगे कि थोड़ा तो पेट में कुछ गया, फिर हम काम करेंगे, तो इसलिए इसको डरा के खिला रहे हैं, क्योंकि अभी खाना तो बनाए नहीं है और ये खा नहीं रहा है।